एक्शन। बोलो छठी मैया की जय। बोलो छठी मैया की जय। बोलो छठी मैया की जय। प्रणाम किया। पहले सीक्वेंस के बारे में बताती हूँ। जब हम लोग तैयार होके आए अपने सेट पे, तो हमें बताया गया कि सिंदूर लगाना है, थोड़ा ज़्यादा भरना है। मैं कहा ठीक है, भर लेते हैं। भर लिया हमें। मैंने कभी ये किया नहीं है छठ पूजा, ना कभी देखा है, ना कभी ऐसा क्योंकि इमेजिनेशन ही नहीं थी कि क्या होता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं थोड़ा और भरना है। मैं कहा अच्छा ठीक है और भर लेते हैं। नहीं मैम नाक से। तो मुझे लगे सब मजाक कर रहे हैं कि मतलब लेग पुलिंग हो रही है। मैं कहा नाक से? हाँ 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 हंस रही हूँ। नहीं मैम नाक से, नाक तक आपने भरना है। मैं कहा सच में? कहते हाँ लेडीज़ होती। फिर उन लोगों ने मुझे फ़ोटोज़ दिखाई कि छठ पूजा में कैसे होता है, तब मुझे विश्वास हुआ। उसके बाद जब मैं फ़र्स्ट टाइम करी तो मुझे लगा नहीं बहुत अजीब लगूंगी, लेकिन जब मैंने किया पूरी तरह से सजी, उसके बाद हम लोगों ने सीन शूट किए जहाँ पे हम लोग खाना बना रहे हैं एंड वो गीत गा रहे हैं जो छठ पूजा में सारी लेडीज़ मिलकर कर रहे हैं, तो वो हम लोग एक्चुअल में गा रहे थे। उसके बाद से तो मुझे पूरी लुक मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मेरे को ये नाक तक भी सिंदूर बहुत अच्छा लग रहा है, इतना ट्रेडिशनल लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। सीक्वेंस ये है कि हम लोग ड्रामा पहली बार 20 साल में गुड्डू मिश्रा रंजू मिश्रा को एक्सेप्ट करते हैं एज़ वाइफ। रंजू मिश्रा ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि इतना कुछ उसके साथ बीत चुका है कि वो हर चीज़ भी मतलब बार बार सोचती है कि पता नहीं ये वापस ललिता के पास चले गए तो क्या होगा। मतलब 20 साल में बहुत कुछ हो चुका होता है। रंजू ने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि उसे ज़िंदगी भर अकेले ही रहना है। अब सडनली ये अपना प्यार जताते हैं, इनको रिग्रेट होते हैं इन्होंने अपनी वाइफ के साथ जो कुछ भी किया। तो ये जो मेरा नज़रिया है वो मैं अभी भी सोच रही हूँ कि मुझे अच्छा लग रही है, पहली बार लाइफ में मुझे एक वाइफ का दर्जा दे रहे हैं, वो मुझे देख के अच्छा लग रहा है। बट कहीं ना कहीं मुझे फियर भी है कि क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, ये टेम्प्रेरी है। एंड उनकी ओर से इतना ज़्यादा है कि वो इतना गिल्ट में है कि 20 साल तक मैंने अपनी वाइफ को कुछ नहीं किया, हर चीज़ मैंने ललिता के ऊपर निछावर करी। तो ये छठ पूजा में वो संकल्प लेते हैं कि वो दंडवत प्रणाम करते करते घाट तक आएंगे, जो कि बहुत बड़ा संकल्प है। तो वो मैं भी हैरान हूँ, अम्मा जी हमारी बहुत खुश हैं कि फाइनली उनका बेटे बहू की कुछ कहानी आगे बढ़ेगी मैरिड लाइफ में। तो इस तरह का सीक्वेंस है, लेकिन वहाँ पे ललिता ये सब देख रही है और उसे ये डाइजेस्ट नहीं होता है कि उनके पति गुड्डू मिश्रा अब उनका पहली वाइफ से कैसे लगाव बढ़ने लगे। तो वो कुछ ना कुछ करेगी करेगी। ये एक व्रत लिया है गुड्डू मिश्रा ने ताकि उसकी आगे को जो ज़िंदगी है वो समझ जाए, और इस छठ पूजा के लिए उसने अष्टांग आसन करने का निर्णय लिया है। तो वाकई बहुत कठिन है, हमें तो लगा बड़ा आसान होगा। हम करीबन बस 10-15 मिनट ले किए तो हम लोग को लगा कि मुझे लगा कि ये बहुत ही मुश्किल है। जो ये व्रत रखते हैं और जो ये सब करते हैं उनको सर आँखों से सलाम। इस छोटी सी जो कठिनाई से हम गुजरे हैं, हम समझ पाए कि जो लोग ये जो व्रत रखते हैं कितना कठिन। मेरी एक ही डिमांड थी कि जो भी आप मुझे कुछ भी पहनाओ लेकिन हल्का होना चाहिए, मतलब कि आई कैन कैरी इट। तो उन लोगों ने बहुत सारे कॉम्बिनेशन देख दुगा के कि सुंदर भी लगे एंड हल्का भी हो करके मुझे ये दिया, कॉस्ट्यूम दिया, ज्वेलरी दी, मांग टिक्का, नथ। तो आई एम वेरी कम्फर्टेबल एंड वेरी हैप्पी विद माई लुक। हेलो मैम, कैसे हो? गुड, हाउ आर यू? क्या चल रहा है आज यहाँ सीन? आज हम धूप में रोस्ट होने आए। फोटो ट्रिप बता। वेरी गुड। आई थिंक अब तक जो जो लोग रंजू की बेटियाँ देख रहे हैं वो ये तो जान ही गए होंगे कि चाहे कितना भी हैप्पी मोमेंट क्यों ना हो, ललिता जो कैरेक्टर है वो कुछ ना कुछ ज़रूर करती है, कोई ना कोई ड्रामा ज़रूर क्रिएट हो जाता है रंजू की बेटियों की ज़िंदगी में। तो ऑफ़ कोर्स छठ पूजा है, हम लोग बहुत ग्रैंड तरीके से मना रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है स्पेशली वुमेन के लिए, उसके बीच में ड्रामा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? खूब ड्रामा होने वाला, हाई लेवल का ड्रामा होने वाला है। इस ड्रामा में बुलबुल का जो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा चिल कर रहा है। नो बट ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक ये ऐसा मोमेंट आ गया है जहाँ पे बेटियाँ और जो गुड्डू जी हैं, जो उनके पापा हैं,
उनकी रिलेशनशिप की डेवलपमेंट बहुत चल रही है. तो इस पूरे सीक्वेंस में गुड्डू जी ने इतना बड़ा प्रण लिया, यू नो वो दंडवत बोलते शायद उसे, उस टाइप का प्रण लिया हुआ है उन्होंने. हाँ, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटियों के लिए, बिकॉज ये पहली बार देख रही हैं रंजू की बेटियाँ उनके पापा को इस तरह से प्रायश्चित करते हुए. सो बुलबुल के, मैं बोर्ड हो गई, मुझे ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं. बुलबुल के लिए, मुस्कान के लिए, टिया के लिए इस वक्त ये सिचुएशन ऐसी है कि पापा हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्या वो पापा को अपनी ज़िंदगी में एज पापा एक्सेप्ट करेंगी या नहीं. तो जो सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, यू नो, जैसे छठी मैया के लिए जब औरतें फास्ट करती हैं, वो ऑलमोस्ट रियल लाइफ में हो रहा है, बिकॉज वो एक्चुअली बिना पानी के, बिना खाने के सुबह से यहाँ पे तेज़ धूप में शूट कर रही हैं. तो कल जब हम शूट कर रहे थे तब हमें जो रिएक्शन आ रहा था और जो आज जो रिएक्शन आ रहा है उसमें फ़र्क हो गया, बिकॉज आज हमको रियल में पता है कि अरे बाप रे, यू नो, आप कम बोलो, आप मत ज़्यादा काम करो, जो हम लोग सीरियल में कर रहे थे वो आज रियल लाइफ में है. और